मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये है मेरे पास 4 मीटर कपड़ा, इसकी मैं लेस निकाल दी हूँ। इसको ये फ्रंट में ऐसे कढ़ाई दिया है, देखिए कैसा है, गोल्डन कलर का। इसको मैं अम्ब्रेला फ्राक बनाऊंगी। फिर इसको मैंने 2 फोल्ड किया, फिर इसको बराबर कर लेना है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई देखते कितना है। पहले इसको इसकी चौड़ाई मैं इसमें लूँगी 10 इंच, फिर मैं ऊपर का इसमें शोल्डर ले रही हूँ 7 इंच, ऊपर का ये पार्ट है। और इसकी हारमोल मैं ले रही हूँ 7, चेस्ट मैं ले रही हूँ इसमें 40 का चेस्ट है, इसका चौथाई हिस्सा मैं ले रही हूँ इसमें 10 इंच। अब ऊपर से मैं लंबाई इसमें ले रही हूँ 17 इंच। अब 16 भी कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे कर देना है, नीचे से मैं कमर ले रही हूँ इसमें 9 इंच, फिर इसको ऐसे मिला लेना है मार्का, और 2 इंच एक्स्ट्रा, फिर 1/2 इंच फ्रंट में रहेगा अंदर के साइड। अब इसमें हारमोल की गुलाई मैं बनाती हूँ, और 1/2 इंच अंदर के साइड। और आप चाहे तो यहाँ डाट भी लगा सकते हैं, मुझे डाट नहीं पसंद है इसीलिए मैं इसमें डाट नहीं। अब इसको कटिंग करके मैं निकाल दे रही हूँ, फिर दूसरा पार्ट कटिंग करूँगी, फिर यहाँ से इसे इसको कटिंग करके निकाल लेना है। फिर इसको बराबर से कटिंग कर लेना है। अब ये फ्रंट की कटिंग हो गई, अब इसको रख के बैक की कटिंग करना है। अब इसको ऐसे करूँगी, इसको बराबर में फिर मैं इसको देखूँगी कितना है रख के। यहाँ पे कढ़ाई कम है तो इसको मैं इसको यहाँ पर हारमोल कर दूँगी। फिर इसको बराबर से इसके ऊपर बिछा देना है डबल कपड़े में करके। बिल्कुल बराबर से इसको रख लेना है, हल्का सा ऊपर मैं इसको रख रही हूँ, नीचे इसमें बराबर से कटिंग करूँगी कम ज़्यादा कपड़ा है तो। फिर इसको रख के इसके ऊपर इसको कटिंग कर देना है। अब देखिए ये फ्रंट की कटिंग हो गई है और ये बैक की। अभी इसमें मैं गला आपको बाद में बताऊंगी। फिर इसको यहाँ से मैं बराबर इसमें कपड़े काट के इसको अलग कर दे रही हूँ एक्स्ट्रे कपड़े को। फिर इसको नीचे का घेरा देखते कितना है। ये लंबाई मैं पूरा इसमें देखती हूँ कितना बनेगा। पहले 1 फोल्ड था, इसको डबल में करना है। अब ये नीचे का घेरा मैं इसमें बनाऊंगी, पहले इसको 1 फोल्ड और इसको 2 फोल्ड में ऐसे पहले बराबर से मैं इसको बिछा लूंगी नीचे। चारों साइड से इसमें बराबर मैं कपड़े को कर लूंगी, बिल्कुल बराबर से इसको बिछा लेना कपड़े को। ये नीचे का घेरा मैं इसमें बनाऊंगी, ये बनेगा। अभी देखते कितना इसकी लंबाई बैठ रही है। फिर यहाँ से इसको इस कोने से उठाना है, इसको ऐसे इसको इसके ऊपर इसको रख देना है। फिर इसके ऊपर ऐसे इसको रख देना है बराबर से टेंगल में, इसको यहाँ से इसको ऐसे करके इसको रख देना है।
फिर अब हो गया। अब इसको ये फ्रंट को उठाते हैं और देखते हैं कहाँ से यहाँ पे ज़्यादा, इतना मैं इसमें लूँगी, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है एक्स्ट्रा कपड़े, इसको मैं कटिंग करके अभी निकाल दूँगी। फिर इसको यहाँ पर ऐसे इसको देख लेना है यहाँ से कितना, अब इसको यहाँ पर सीधा मार्का कर देना है, अब इसको हटा देना है, अब इसको यहाँ पर ऐसे देख लेना है। फिर ऊपर से इसको मैं देख, ऊपर से मैं इसमें देख रहा हूँ कितना है, इधर 18 इंच है, अब इस साइड भी ऊपर से देखना है 18 इंच रहना चाहिए, कम ज़्यादा हो तो आप इसमें बराबर कर सकते हैं। फिर इसको ये देख रहे मैं कितना है, इसको ये आ रहा है 13 इंच, इसको थोड़ा हल्का सा मैं कम करूँगी। अब ऊपर से इसकी लंबाई देखते हैं, अब यहाँ से इसकी लंबाई देखते हैं कितना है। ये मैं इसमें इसको 29 इंच इसमें मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ, अब इस साइड देख रहे हैं कितना बच रहा है। अब इसको मैं फ्रंट को रख लिया, अब ऊपर से इसकी देखते हैं कितना लेंथ हो रहा है टोटल, टोटल इसमें आ रहा है 48 इंच। अब इसको साइड में कर देना है, ये सिलने के बाद 45 इंच तैयार होगा। ये गलत मार्का है इसको, अब फिर इसकी साइड देखना है इधर कितना है, 4 फोल्ड में इधर आ रहा 29 इंच, अब 29 इंच इधर भी लेना है, इस साइड भी 29 इंच इस साइड भी लेना है, ये वाला मार्का सही है। अब 29 इंच यहाँ भी लेना है, अब यहाँ से करते करते इसको देख लेना है, फिर 29 इंच और 29 इंच, फिर यहाँ से फिर इधर लेना है बराबर से, फिर इसको मार्का को मिला देना है और ऊपर से भी देख लेना है ये दोनों बराबर है कि नहीं। यहाँ पर ये है 16 और इधर भी 16 रहेगा, दोनों साइड को बराबर रहेगा। फिर इसको ये नीचे को ऐसे मार्का इसको मिला देना है अब यहाँ पर इसको बिल्कुल बराबर से इसको मिला लेना है। अब इसको कटिंग करके मैं इसमें निकाल दे रही हूँ, पहले इधर से इसको कटिंग करके मैं इसको हटा दे रही हूँ और फिर इसको आधा इंच मैं नीचे से इसको कटिंग कर रही हूँ छोड़ के मार्का को। अब इसको कटिंग करके मैं इसको घेरे को निकाल दे रही हूँ, अभी ये इतना बच रहा है इसमें मैं बाजू जू बनाऊंगी। अब आपको मैं खोल के दिखा रही हूँ, देखिए देखिए इसमें कितना घेरा है, अरे ऊपर का पार्ट इसको ऐसे यहाँ पर जोड़ना है, इसको यहाँ पर ऐसे इसको मैं इसमें आगे इसमें बकरम पे गला बनाऊंगी, पीछे मैं इसमें 7 इंच गला बनाऊंगी। आप चाहे तो छोटा बड़ा बना सकते हैं अपने पसंद का, मैं इसमें डीप गला बनाऊंगी। पहले मैं इसको ऐसे कर रही हूँ 2 फोल्ड, अब इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ इसमें 2.5 इंच, लंबाई मैं ले रही हूँ 7 इंच, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे मार्का कर देना है और इसको
गले कटिंग करके ऐसे मैं इसको निकाल दे रही हूँ। आगे मैं बकरम पे गला बनाऊंगी। अब इसकी हारमोल की चेक करना कितना इसकी गुलाई आ रहा है। ये आ रहा है 11 इंच। अब देखते हैं बाजू की कटिंग, इसको साइड में कर देना है। अब इसमें बाजू में डिजाइन नीचे मतलब बना है, ये पट्टी भी लगा इसमें। अब इसको मैं 2 फोल्ड कर रही हूँ। इसको सेंटर से सेंटर मिला लेना है, बीच में इसमें फ्लावर दिया बाजू में, इसको मैं बराबर कर रही हूँ। फिर इसको 2 फोल्ड है, फिर इसको 1 फोल्ड और करना है, फिर ये हो गया 4 फोल्ड। फिर इसको बराबर से ऐसे रख लेना है, इसको 4 फोल्ड को बराबर से मैं इसको रख ले रही हूँ। फिर इसकी लंबाई देखते कितना है। इसकी लंबाई मैं बनाऊंगी इसमें 19 इंच। इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब इसको सीधा ऐसे मार्का कर देना है और 3 इंच लेकर मैं सीधा एक मार्का और करूँगी। फिर यहाँ से हारमोल की गोलाई चेक करना है कितना था, यहाँ पर 11 इंच। अब यहाँ से ऐसे इसको मैं इसको मिला दे रही हूँ। इसमें अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ मोहरी के लिए आगे मैं 5.5 इंच। अब इसको यहाँ से ऐसे इसको मिला देना है, ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ से मैं इसको 10 इंच हारमोल का वो गुलाई था तो मैं इसको यहाँ से ऐसे इसको मार्का कर दे रही हूँ। और ये 1/2 इंच फ्रंट में अंदर के साइड रहेगा गुलाई। अब इसको कटिंग करके मैं निकाल दे रही हूँ। और इधर से मैं इसको कटिंग करके निकाल दे रही हूँ। अब एक कट मैं इधर लगाऊंगी। अब चलते हैं मशीन पे, इसको स्टिचिंग करके आपको दिखाते हैं। हाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।